नमस्कार सभी हमारे मित्रों को, दोस्तों को, चाहने वालों को। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, और लॉ एजुकेशन में आज मैं भारत के संविधान के बारे में, आपके जो अलग-अलग आर्टिकल है उसके बारे में हम आपको दूंगा। तो ये लेटेस्ट 9 दिसंबर 2020 का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें आप जानते हैं, जो भारत के संविधान में जो संसद पर समय समय पर संशोधित किए गए हैं और भारत के संविधान के पाठ उद्धृत किया गया है, और ये जो हम 104वां संशोधन जो 2019 में हुआ था वहाँ तक के इसमें सम्मिलित किया गया है, तो जिसमें जम्मू कश्मीर आदेश जो है प्रशिष्ट एक में सम्मिलित किया गया है। संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1978 और संविधान का 88वां संशोधन 2003 जो कि अभी प्रवृत्त नहीं हुए हैं, से संबंधित संवैधानिक संशोधन का पाठ इस संस्करण में समुचित स्थान पर अन्यथा टिप्पणी में सम्मिलित किया गया। इन संशोधनों का पाठ प्रशिष्ट 2 और प्रशिष्ट 3 में हम आगे दिखाएंगे। भारत बांग्लादेश का सरकार के मध्य अर्जित आंतरिक राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा को अंतर्विष्ट करने के लिए संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 का प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया है। तो हम चलिए हम इस पर आएंगे और अलग अलग हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा अलग अलग जो अध्याय में कैसे इसके बारे में जानकारी दी गई उसको हम लोग भी आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम, मेरा आज उद्देश्य कि जो आर्टिकल है, अलग अलग जो अनुच्छेद है उस पर हम आपके बीच में थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो हम भारत के संविधान में जो अनुच्छेद का जिक्र है, विषय जैसे ही जानते हैं, भागों अलग अलग भागों में बांटा गया है और टोटल जो है 22 भाग जो है वर्णित है, तो आपको देखेंगे और उसके साथ साथ हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, जो आप सभी जानने वालों के लिए जो है अनुकूल है। तो जानते हैं 395 अनुच्छेद टोटल है और अलग अलग जो अनुसूची है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम। आप आपके बीच में संविधान को ब्रीफ जानने का, हर भारत के हर नागरिक को जानने का अधिकार है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे कैसे कैसे प्रशिष्ट है अभी लेटेस्ट नॉलेज जो है कहाँ कहाँ, इसमें 368वां संशोधन के तहत जो है अलग इसमें दिया हुआ, इसके बारे में हम करेंगे। जो अलग अलग अनुसूची है उस पर भी हम लोग प्रशिष्ट है उसके बारे में हम लोग आपके बीच लाएंगे। तो चलिए हम भारत के संविधान के बारे में भी हम आपको बता दें, और ये खासकर जो जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन का उसको थोड़ा सा इसमें जानने की आवश्यकता है, उस पर हम लोग आएंगे। तो मैं बता दूं, काफी दुनिया का सबसे विस्तृत सबसे बड़ा जो है, इसी तरह टोटल जो 22 भागों में 395 अनुच्छेद तक हम जैसे बता रहे थे दिया गया है। तो हम फिर चलिए हम लोग आगे आते हैं, 22 भाग 395 अनुच्छेद तो सबके बारे में हम जानेंगे। तो कौन सा अनुच्छेद, अब जानते हैं कि जो कानून है, कानून के जो अलग अलग नंबरिंग करके बताया गया है वो उसको अनुच्छेद बोलते हैं, जो भारत के संविधान जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित दिया गया और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे भारत में लागू करके भारत को गणराज्य के रूप में जो है मान्यता दी गई। तो हम उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि हमको आसानी से इसमें समझने में होगी, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। कितना विस्तृत है थोड़ी इसको जानकारी हम
दे दे, और पार्ट बाई पार्ट करके इसका अलग से जानकारी भी हम लोग आप लोग के बीच में लाएंगे। तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जो है समय समय पर जानते हैं 368 के अंतर्गत जो है बदलाव जो है लाया गया, और अलग अलग भाग है, टोटल 22 भाग है। तो जैसे कि अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है, और नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। बाद में तो क को जोड़ा गया, सिक्किम संघ के सहयुक्त की जो है किया जाना था निश्चित, तो ये बाद में 2 को जोड़ा गया। और 3 में है राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नाम परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 में है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक अनुसंगिक और परिणामिक विषयों पर उपबंध करने हेतु तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां के बारे में इसमें चर्चा की है। तो पहला भाग जो है राज्य का पुनर्गठन और राज्य की जो है शक्तियों का क्या है, राज्य को कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में जो है जानकारी मिल रही होगी। तो इस पर हम जो है और आगे बताएंगे। भाग 2 में आते हैं, और भाग 2 में है जो नागरिकता के बारे में दिया गया है। भारत में नागरिकता जो है सिंगल नागरिकता है, सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो नागरिकता है वो सिंगल नागरिकता है। तो नागरिकता के बारे में दिया है कि जो है संविधान के प्रारंभ नागरिकता दिया हुआ है। पाकिस्तान से भारत जो प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार के बारे में दिया हुआ है। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, भारत से रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, संसद द्वारा नागरिक अधिकारों के विधि विनियम किए जाना, ये सब इसमें सम्मिलित है। और भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में दिया हुआ है कि ये जो है क्या अधिकार है, राइट्स क्या है, जो 12 से अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 32 तक जो आप देखेंगे कि जो है इसमें दिया गया है। 32 तक तो आप देखेंगे, 35 तक जो है इसमें है, 35 तक जो है आपको मूल अधिकारों के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है मूल अधिकार के बारे में, परिभाषा क्या है, मूल अधिकार 12 के अंतर्गत परिभाषा दिया गया है, 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि और समता का अधिकार दिया है, 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, 15 में धर्म, मूल वर्ष, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध के बारे में जानकारी दी गई है, और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन विषय पर अवसर की समानता के बारे में दी है, और 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधि का अंत। जो ये सब जो है दिया हुआ है ये सब समता का अधिकार से संबंधित। स्वतंत्र अधिकार जो है उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 19 है, वाक स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ अधिकारों का जो कैसे प्रोटेक्शन है उस पर दिया गया है। जो स्वतंत्रता का अधिकार में, और आप देखेंगे कि अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में की गई है। 21 में आप देखेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में जानकारी दी। बाद में 21 को जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, जो पहले संविधान के जो बनाई गई थी इसको नहीं डाला गया था, लेकिन बाद में शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण के बारे में भी जानकारी
दी गई है। बाद में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 23-24 को दिया गया, मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रति जो है प्रतिषेध के बारे में है, और कारखानों में बालकों का नियोजन संबंधी प्रतिषेध 24, ये जो है अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी जिक्र की गई है। इसी तरह आप धर्म की स्वतंत्रता का जो है 25, 26, 27, 28 जो है इस सब धर्म की स्वतंत्रता का आधार है। अंतःकरण और धर्म के आवाज रूप में से मान्य आचरण के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी विशेष धर्म का विविध करो के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना को उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है कि अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसी तरह सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से लेके 31 तक जो है दिया गया है, उसमें कुछ उपबंध को भी जोड़ा गया है, जैसे कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है जो 30 में है। 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निरस्त किया गया है, जो बाद में उसको निरस्त कर दिया गया। ये था 31 जो बाद में इसको समाप्त किया गया। तो आप ये देखेंगे 31-31 क में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध की वाली कठिनाई को व्यवहित करना, और उसी के स्थान पर जो समाप्त करके कुछ विधियों को व्यवहित किया गया है, जैसे कि दूसरा है 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, और 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों को व्यवहित करना। 31 घ में राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंधी विधियों को व्यावृत या निरसन किया गया, ये बाद में जोड़ा गया है 31 ख ख ग घ अंग को। इसके अलावा अनुच्छेद 32 जो है जिसमें असंवैधानिक उपचारों और अधिकारों के बारे में रिमेडियल, अगर कुछ संविधान में किसी तरह का रिमेडियल करना है, रिमेडीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका क्या अधिकार है, इस भाग में 32 में दिया हुआ है। इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त करने का उपचार है। 32 को राज विरोधी की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाइयों में विचार न किया जाना है, जो निरस्त कर दिया गया है। 33 जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों यदि लागू करने का उपरांत रूपांतरण करने को संसद के शक्ति के बारे में बताया गया है। 34 में अनुच्छेद में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि भी प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निर्बंधन, तब उस समय ये सारे अधिकार जो है उसको निरस्त किया जाता है, किया जा सकता है। और इसी तरह संवैधानिक उपचारों और अधिकारों में 35 में है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है बनाया गया है। इसी तरह भाग 4 में जो है राजनीति और निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव ऑफ स्टेट। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को परिभाषित किया गया भाग 4 में, जो अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होने के बारे में बताया गया है। 38 में राज्य लोक कल्याण अभिवृत्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाया गया, उसमें 38 में बताया। 39 में राज्य द्वारा अनुसरण कुछ नीति तत्व बताए गए हैं। 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जो है बताया गया है, जो 39 अनुच्छेद में। इसके बाद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। इसके अलावा 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 अनुच्छेद में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायक का उपबंध जो है इसके बारे में जो है दी गई है। 43 में कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है उसके बारे में 43 में दी गई है। 44 43 क में उद्योग
के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना बताया गया है। 43 ख में सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन के बारे में बताया गया है। 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बताई गई है जो महत्वपूर्ण है। 45 में 6 वर्ष से कम आयु बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा को 45 में बताई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 46 में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां और दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और संबंधी हितों का वृद्धि के बारे में बताया गया है। 47 में पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने और राज्य का कर्तव्य के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है दिए गए हैं। इसके अलावा किसी और पशुपालन संगठन के बारे में जानकारी दी गई है जो 48 में है। 48 को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वन जीवों की रक्षा करने के लिए 48 को में बाद में इसको जोड़ा गया है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण के बारे में बताया गया, किस तरह कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि के लिए ये 51 में बताई गई है। और बाद में जो है भाग 4 का को जोड़ा गया है जो पहले नहीं था, जो संविधान के संशोधन करके जो है भाग क को जोड़ा गया है जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जो पहले संविधान बनी थी उसमें मूल कर्तव्य का बारे में जिक्र नहीं था, जो भाग क 4 का क उसमें जोड़ा गया। और भाग 5 में संघ के बारे में विस्तृत है कि जो यूनियन भारत का राष्ट्रपति, संघ का कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सब संघ के बारे में जो है जो भाग 5 में दिया गया है। संघ किस तरह काम करेगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का पदावधि। इसके बाद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। 59 में राष्ट्रपति पदों के लिए शर्तें। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62 में है राष्ट्रपति 62 अनुच्छेद में सारे राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में 63 से लेके जो है अलग अलग ये सारे संघ में दिए हुए हैं, जो 73 तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा उससे संबंधित है। और मंत्रिपरिषद 74 से मंत्रिपरिषद के बारे में दिया गया है, मंत्रियों के बारे में। 76 में भारत के महान्यायवादी जो है सोलिसिटर जनरल के बारे में बताया गया। 77 में भारत के सरकारी कार्य के संचालन के लिए दिया हुआ है। 77 और 78 राष्ट्रपति जानकारी देने सभी प्रधानमंत्री का कर्तव्य। इसके बाद अध्याय 2 संसद जो है जो संसद के बारे में अध्याय 2 अलग हम जानते हैं भाग और अध्याय में पूरे है। तो पहला अध्याय में अनुच्छेद 1 से लेकर 78 है और भाग जो है उसको जो 5 भाग में विभाजित किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि 5 भाग में विभाजित किया गया है और अध्याय 1 में तो ये 78 तक पूरा दिया हुआ है। स्टेट का रूल्स, हमारी यूनियन का रूल्स क्या क्या है उसमें और हमारे राइट्स और उसका कर्तव्य है, ड्यूटीज, ये सब है अध्याय 1 में। और 78 अनुच्छेद है और 5 भाग है। अब अध्याय 2 में का जो है साधारण है, जनरल दिया गया है कि संसद का गठन कैसे होगा, जो अनुच्छेद 79 में है। 79-80 से लेकर लगातार 88 तक जो है ये
साधारण है, जनरल संसद के बारे में दिया गया है। इसके बाद नवासी से लेके संसद की अधिकारी क्या हो गए उसके बारे में दिया हुआ है, कैसे सांसद का निर्वाचन होगा, कैसे चलेंगे सारी, ये कैसे हटाया जाना है, सभापति, ये सचिवालय और जो है 98 अनुच्छेद तक दिया गया। उसी तरह कार्य संचालन कैसे सांसद का होगा, संसद का होगा, उसमें 89 से लेके जो है 104 तक इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावे संसद और उनके सदस्यों की शक्तियां के बारे में 100 अनुच्छेद 105 से लेके अनुच्छेद जो है 106 तक दिया गया है। विधायी प्रक्रिया को 107 से लेकर अनुच्छेद 111 तक दिया गया है। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 112 से लेकर जो है 117 तक वित्तीय विधेयकों के बारे में बताया गया है। साधारण प्रक्रिया के बारे में 118 से लेकर 122 तक दिया गया है। तो ये पूरे संसद के बारे में पूरी दी गई है जो अध्याय 2 में है। अध्याय 3 में है राष्ट्रपति की विधियों की शक्ति के बारे में, जो अनुच्छेद 123 में इसका जिक्र है। उसी तरह अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में, जो 124 से प्रारंभ होकर जो है आगे उसके निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में दिया गया, 147 तक सारे जो है न्यायिक प्रक्रिया के बारे में पूरी इसमें जानकारी दी गई है, जो अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका। वह उच्चतम न्यायालय उसके बारे में, केंद्रीय विधि मामला है उच्च न्यायालय के बारे में दिए हुए है सारे संघ की। उच्चतम न्यायालय अपील करने का अधिकार, मामलों का अंतरण, सिविल और न्यायिक पदाधिकारी को उच्चतम न्यायालय के सहायता में कार्य करना, सारे निर्वचन, ये सारी प्रक्रिया जो है एक अध्याय 4 में समाहित है, जो 147 तक है। फिर अध्याय 5 में भारत का जो ऑडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दिए, जो अध्याय 5 में है, और ये 148 से लेकर 151 तक CAG के बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरह अध्याय 6 में, अध्याय 6 में जो है राज्य के बारे में दिया हुआ है, साधारण क्या है राज्य, 152 से लेके लगातार उसमें राज्यपाल का क्या काम, किस तरह राज्य, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के उसके निर्वाचन की पद्धति, उनके शपथ, सारी जानकारी राज्यपाल के बारे में 162 तक है। फिर राज्य के मंत्री परिषद का के बारे में 163 164 में, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में 165, राज्य कार्य संचालन के 166 167, ये सारी जो है दिया हुआ है राज्य के अलग से। फिर राज्य का जो है अलग अलग उसके अध्याय को बांटा गया है, राज्यों का विधानमंडल जैसे 168 अनुच्छेद से लेकर साधारण जनरल उसकी जानकारी दी गई है 177 तक। राज्य के विधानमंडल के अधिकारों के बारे में 178 से लेकर 187 तक उसके बारे में दिया गया है। उसी तरह हम देखेंगे उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, सारे जो एक विधायी प्रक्रिया को 196 से लेकर 201 तक है। वित्तीय जिस तरह भारत सरकार का सदस्य, स्टेट सरकार का, संघ का, उसी तरह स्टेट का दिया गया है कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया क्या है, 202 से लेकर 207 तक, और जनरल प्रक्रिया में 208 से लेकर अनुच्छेद से लेकर 212 तक दिया गया। उसी तरह अध्याय 4 में राज्यपाल की विधीय शक्ति जो 213 के बारे में दिया हुआ, जिस तरह हमारे यूनियन में दिया गया था। उसी तरह अध्याय 5 में राज्य को उच्च न्यायालय में 214 से शुरू होकर और ये 231 तक इसके बारे में दिया गया। फिर अधीनस्थ न्यायालय जो है 233 से लेकर 237 तक दिया गया। अब भाग 7, जैसे हमने
भाग अलग अलग भागों में फिर उसमें अध्याय जोड़ा गया था, तो हमारा ये तो फिर हम लोग इसको ये करते हैं। तो अब भाग सात, जैसे हम अलग अलग भाग सात में पहली अनुसूची भाग ख के राज, तो भाग अलग अलग भाग है और भाग के अंदर जो है अध्याय भी दिए हुए हैं। तो भाग सात में जो है 238 अनुच्छेद है, जो पहली अनुसूची भाग ख के राज के बारे में जोड़ा गया है। तो उसी तरह भाग आठ में जो है संघ राज क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संघ राज क्षेत्र का प्रशासन 240 अनुच्छेद से लेकर 242 तक जो है दिया गया है अनुच्छेद। इसी तरह भाग नौ में पंचायत के बारे में फोकस दिया गया है, किस तरह का पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना पूरा महत्वपूर्ण है ये पंचायत के बारे में 243 तक भाग नौ। नौ के को में बाद में जोड़ा गया है नगर पालिका है, जो 243 से लेकर जो है उनको 243 अनुच्छेद तक नगर पालिका के बारे में जो नौ ख को जोड़ा गया है। और नौ ख को सहकारी सोसाइटी को भी बाद में इसको नौ ख में इसको ऐड किया गया है। सहकारी सोसाइटी का किस तरह होता है, भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में जो 244 से लेके अनुच्छेद से लेके और ये 244 तक है, इसे 245 आने से भाग 11 में टोटल बोला था कि भाग 22 में विभाजित किया और अलग अलग भागों में उसका अध्याय भी जोड़ा गया है। जैसे भाग 11 में का अध्याय 1 में दिया हुआ है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में, जैसे 245 जो है 245 से लेके 255 तक दिया हुआ है जो इसके बारे में। फिर अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधी किस तरह होगा, जो अनुच्छेद 256 से लेकर 261 तक 262 तक दिया, राज्यों के बीच समन्वय के 263 में दिया। उसी तरह भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में जो अनुच्छेद 264 से लेकर 267 तक, और संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण के लेकर 268 से लेके जो है आगे इसको दिया गया है जो 281 तक है। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध के बारे में भी 282 से लेकर 290 को और उसके बाद में 90 ख को भी 291 को जोड़ा गया है। उसी में अध्याय 2 में जो उधार लेने के लिए 292 से लेकर 293 तक दिया गया। उसी तरह अध्याय 3 में संपत्ति संविदा अधिकार दायित्व विवदताएं या और वाद जो अनुच्छेद 294 से अनुच्छेद 300 तक इसमें चर्चा की गई है। इसी तरह संपत्ति का अधिकार अध्याय 4 जो है उसके बारे में जो 300 को जोड़ा गया है। और भाग 13 में जो है भाग 13 में दिया हुआ है भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम जो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक के बारे में दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक दी गई है। उसमें फिर अलग अलग जो है दिया गया अध्याय उसी के अंतर्गत अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी गई है जो अनुच्छेद 315 से 323 दिया। उसी तरह भाग 14 का जो है उसमें अधिकरण के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 323 से लेकर 323 ख तक है। फिर निर्वाचन भाग 15 में निर्वाचन की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में दिया गया है जो अनुच्छेद
24 से लेकर 329 क तक समाहित किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष रूप बांध दिया गया है, जैसे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जन के लिए स्थानों का आरक्षण। तो ये अनुच्छेद 330 से लेकर जो है 342 जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसी तरह भाग 17 में राजभाषा आदि, उसमें अध्याय 1, 2, 3 अलग अलग अध्याय है, 4 है अलग अलग अध्याय को, और टोटल 350 जो है 351 अनुच्छेद तक इसमें आया हुआ है। भाग 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी के समय के बारे में है, जो 352 से लेकर 360 तक के जी है, इसमें जानकारी दी गई है। उसी तरह भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति राज्यपालों के राजप्रमुख का संरक्षण 360 से 361 से शुरू है, 361 कौम में संसद और से ले दिया हुआ 367 तक जो है इसके बारे में दी गई है, कैसे प्रकीर्ण किया जाए राष्ट्रपति राज्यपाल और सांसद, इस सारे के बारे में दिया गया प्रकीर्ण के बारे में। इसके अलावा भाग 20 में संविधान में का संशोधन, जो 368 धारा है, सॉरी 368 अनुच्छेद इसमें विशेष तरह जानकारी दी। इसी तरह भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो भाग 21 में दिया गया है कि किस तरह जो अस्थायी अस्थायी उपबंध और उसके बारे में विशेष उपबंध और संक्रमणकाली के बारे में बताया गया कि संक्रमण के समय जो अनुच्छेद 369 से प्रारंभ है और अनुच्छेद 369 से और ये 392 तक जो है दिया गया है। इसी तरह अंतिम भाग 22 में जो है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रागृत पाठ निरसन यदि 392 से लेकर 395 तक जो है दी गई है, और इस तो ये और लास्ट में 395 में निरसन कैसे किया जाए जो है रिपीलिंग जो जो उसके बारे में जो दी गई है कि रिपीलिंग एंड सेविंग्स के बारे में दी गई 395 अंतिम। तो इसी तरह जो है अनुसूचियां भी है, पहली अनुसूची में जो अनुच्छेद के अलावा इनक्लोजर अनुसूचियां हैं, जो पहली अनुसूची में राज और संघ राज के बारे में दिया है, दूसरी अनुसूची में भाग क ख ग घ अंग के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा स्थानों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची में जो है अलग अलग अनुसूचित जनजाति जनजातियों के बारे में, छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजातियों के बारे में जानकारी, सातवीं अनुसूची में संघ सूची राज सूची और संवर्ती सूची दिया गया है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं के बारे में दिया है, नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों के विधि मान्यकरण के बारे में दिया गया है, दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के पर निहारता के बारे में जानकारी है, ग्यारहवीं अनुसूची में जो है पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकरण का उत्तरदायित्व, बारहवीं अनुसूची में नगर पालिका या अधिक शक्ति के बारे में उत्तरदायित्व के दिए गए हैं। ये मैं बताया कि टोटल जो है 22 भाग है, 395 जो है अनुच्छेद है और टोटल 12 अनुसूची है, और जो प्रशिष्ट है वो भी अलग है, प्रशिष्ट एक में संविधान जम्मू कश्मीर में लागू होना, प्रशिष्ट दो में संविधान 44वां संशोधन जो 1978 का उद्धरण है, प्रशिष्ट तीन में 88वां संशोधन अधिनियम 2003 है, प्रशिष्ट चार में संविधान का 100वां संशोधन जो 2015 है, उपबंध भी है उसमें भी जुड़ा गया है। तो ये भारतीय संविधान का जो है
बारे में हम एक संक्षिप्त जानकारी हम आप लोगों के बीच लाए हैं, और इसके अलग अलग अनुच्छेद जो है, भाग है या अनुसूची है और प्रशिष्ट है, ये सभी के बारे में हम बीच में लगातार हम जो है बताते रहे। इस बीच में भारत के संविधान का उद्देशिका भी बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 जो है द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये मूल जो है संविधान का मूल उद्देश्य जो है, इसी के साथ हम आज अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि संविधान के बारे में जो हमारा हमने मुहिम शुरू किया है कि आम लोग तक संविधान की जानकारी हो और उसको बारीकी से समझें, जिससे कि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज़्यादा जागरूक हो सके। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में और अन्य जानकारी के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।